सो एवरीबडी, यस, माय एक्वेरियम इज ऑलमोस्ट रेडी. मुझे इसमें थोड़े से वाटर चेंजेस करने हैं. आई हैव प्लांटेड सम मोर प्लांट्स इन दिस. और जो बीच में हाथी था, आई नो यू गाइज वर फाइंडिंग इट वेरी वियर्ड. वो अजीब सा लग रहा था थोड़ा सा. सो वी हैव चेंज दैट टू. आई शो यू गाइज एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू शो यू. बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये, फॉर योर इन्फॉर्मेशन. और मेरे पीछे है एक्वेरियम और मेरे सामने क्या है ये मस्त यहाँ पर ऐसे घूम रहे हैं एंड आई एम फीडिंग देम अ लिटिल बीच बीच में. एंड हियर आर माई रैट्स मेरे साथ में. अच्छा, वो अंदर सो रहे हैं, सर्दी है. एंड दिस इज माई एक्वेरियम. यस, दिस इज माई एक्वेरियम. दिस इज माई गोल्डन लैगेट प्लेको. थोड़ी सी शर्मीली है ये इसलिए. एंड आई नो यू गाइज वॉन्ट टू नो अबाउट देम. आई एम गोना टेल यू गाइज, बहुत अच्छी स्टोरी है इनकी. इट्स गोना बी इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स. पर ये है बहुत प्यारे, बहुत ज़्यादा ही प्यारे हैं ये. आई एम इन लव विद देम. ये सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना टेल यू अबाउट देम. तो अभी सिर्फ एक्वेरियम की बात करेंगे. अरे, वी आर नॉट रिलीजिंग देम यार, लेट देम बी हियर. सो वी गोना टॉक अबाउट माई एक्वेरियम नाउ. आई विल शो यू जो जो मैंने चेंजेस किए हैं इसमें और जो जो मुझे अभी खुद अभी करने हैं. बट आई डोंट फील लाइक डूइंग इट. अभी मेरा डिस्टर्ब करने का इसको मन नहीं है, तो शायद से मैं एक दो दिन में करूँगा. बट वेन आई विल बी डूइंग इट, आई विल शो यू. आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट यू गाइस. सो आई हैव माई एंजल फिश हेयर. मैंने 2 लाकर डाली थी उसमें, पर एक को पहले से कुछ प्रॉब्लम थी शायद, तो उसमें वो आई नहीं. एंड ही हैज़ बिन प्रॉपरली टेम्ड. ये मेल है, यू कैन सी द वेंट्रल ओपनिंग इसकी. तो यस, दिस वन इज मेल और ये बहुत टेम्ड है. बढ़िया, अच्छे से यू कैन सी द कलर्स. इसके इसने कलर्स भी बहुत अच्छे डेवलप कर लिए हैं. ये डरता ही नहीं है बिल्कुल भी ना. ही इज़ नॉट स्कैर्ड. और इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पर रेड रेड आई या फिर ब्लड आई टेट्रा बोलते हैं इनको. दे लुक वेरी क्यूट. आई हैड 7 इसमें, पर इन्होंने मार मार के एक को पता नहीं पीछे रखा हुआ है. और मैंने हाथी को ऑब्वियसली रिप्लेस कर दिया है बुद्धा से. एज यू कैन सी दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर. और पीछे यू कैन स्पॉट 1 नेराइट स्नेल. दिस वन इज कॉल्ड टाइगर नेराइट स्नेल. मुझे पता नहीं था इसके बारे में. बहुत सुंदर. आई हैव अ ग्रेट ग्रेट इंटरेस्ट इन स्नेल्स. दे आर वेरी इंटरेस्टिंग. आई एम श्योर आप लोग कुछ बोलोगे कि घोंगे बहुत सारे होते हैं. मेरे घर के पीछे तालाब है, उससे पकड़ के ले जाओ और वो सब. पर ठीक है, दीज आर नॉट इंडियन. ठीक है, तो ये इतने नॉर्मली नहीं मिलते हैं. हाँ, ये जीब्रा स्नेल जो है मेरे पास, रैबिट स्नेल जो है मेरे पास, वो इट कैन बी फाउंड इन इंडिया. ये यहाँ पर सो रहा है. मैं उसकी लाश दिखाता हूँ आपको. दिस वन वॉज दैट स्नेल. वो अंदर पीछे घुसा हुआ है. आई गॉट 2 और एक उसमें मर गया बेचारा. आई कुडंट सर्वाइव. यस, और ये था एक टाइगर नेराइट. और सबस्ट्रेट वैसा ही है. थोड़े से प्लांट्स मैंने लगा दिए यहाँ पर ला के. दे वर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड दे हैव स्टार्टेड ग्रोइंग. सारे प्लांट्स ग्रो करने लगे हैं इसमें. थोड़ी सी हेयर एल्गी हो गई थी, तो इस वजह से मैंने लाइट्स थोड़े डिम किए हुए हैं इसके. एंड दे आर जस्ट लुकिंग वेरी गुड. और जितने हमारे पास कोरिडोराज थी, उसमें सिर्फ 3 बची हैं. 2 पांडाज और एक ब्लू कोरिडोरा. सो यू कैन सी दिस इज पर्पल मिस्ट्री स्नेल. पर्पल मिस्ट्री स्नेल बोलते हैं इसको. मिस्ट्री एक्चुअली में बड़ा सुंदर सा नाम है इसका. एंड दे आर जस्ट ब्यूटिफुल. ये इतना सुंदर है और ये ऐसे ही ऐसे ना खेलता कूदता सा रहता है इसमें.
ऐसे ऊपर चला जाता है कभी कभार ऑक्सीजन लेने, और उसके बाद नीचे गिरता हुआ आता है. एंड ही लव्स टू एक्सप्लोर. और अभी ये बहुत बढ़िया तरीके से काई साफ कर रहा है वहाँ से, जो एल्गी जम गई है, थोड़ी सी ब्राउन एल्गी जम गई थी. एज यू कैन सी ये वाले पत्ते पर ये ऐसे ही चल करता रहता है. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स. दिस सेटअप इज वेरी कॉमन अमंग्स प्लांटेड एक्वेरियम्स और वो सब. मुझे पता है लोग मुझे बोलेंगे कि इसमें मैं काफ़ी चीज़ें ऐड करूं और वो सब. शुरुआत में मैंने इसमें CO2 बॉल्स भी डाले थे. आई विल शो यू द CO2 बॉल्स, ये वाले. आई गॉट देम फ्रॉम यहाँ पे लोकल पेट शॉप पे, देवर अवेलेबल. सो और यहाँ पर सबस्ट्रेट में थोड़ी सी गंदगी भी है. आई नो यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा. ये सारे प्लांट रिमेन्स ही हैं जो कि ड्राइड अप लीव्स हैं, जो थोड़ी टूट जाती हैं तो वो निकल जाती हैं. बाय द वे दे आर डूइंग ग्रेट. वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लांट क्रिप्टोकोरिन, उसने एक पत्ता निकाल दिया है पर वो अभी भी बहुत गरीब लग रहा है. यू कैन सी ये अभी भी थोड़ा गरीब सा ही है. आई डोंट नो व्हाई इज नॉट ग्रोइंग ऐसे अच्छे से. और बाकी सब ने निकाल दिया है. ये वाले तो मतलब ऊपर से तो दे हैव ग्रोन दिस मच पाँच दिनों में दे हैव ग्रोन दिस. आप ऊपर से देखो इसको, दे आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल. यहाँ वालों पे रेड कलरेशन ज़्यादा आ गया है इन पर. आप देखोगे अगर तो रेड रेड दिख रहे हैं थोड़े से. अभी पानी थोड़ा सा डस्की है. ये मैं अभी साफ़ करूँगा. अभी थोड़ा ट्रीटमेंट कर रहा हूँ ये जो हेयर एल्गी है इसके ऊपर, जो काई काई जमी हुई है पत्तों पर, ये साफ़ हो जाएगी जो बाल जैसी है. एंड दीज आर माई ब्लड आई टेट्राज, दे आर डूइंग ग्रेट. तो अभी मैं इसमें अब ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा. मैं इन प्लांट्स को उगने दूंगा, बस हेयर एल्गी का कुछ करना है मुझे. एंड यू कैन सी हिम, आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद हिम. अगर ये बच्चे दे देगा तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. कोरिडोराज भी अच्छे हैं. एंड माई स्टार हेयर इज़ डूइंग अमेजिंग. मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ एक्वेरियम से तो ये बाहर आ जाता है. पीछे उन्होंने रेड आई टेट्राज ने अपना घर भी बना लिया है. एक्वारोज है वो. ग्रोन मोर देन 5 inches, पाँच इंच 6 inch के आसपास ही और उग गया है, और उसके बीच में से निकल के जा रही हैं वो रेड आई टेट्राज. और पीछे वो क्रिसमस मॉस है, जो वो स्टोन है वो नीचे रखा था पहले, तो उस पर लाइट नहीं आ पाई और वो थोड़ा सा डल हो गया. और उसके बाद उसमें जितनी भी ड्वेलिंग वाली फिशेस होती है ना, सबस्ट्रेट ड्वेलिंग, जैसे कोरिडोराज हैं और ख़ास तौर से प्लेकोज हो गई, वो आप कभी भी नहीं रखनी चाहिए मॉस के साथ. पर मैंने रख दी बिकॉज आई डेंट हैव एनी ऑप्शन. और अभी दूसरा जो एक्वेरियम बनने वाला है उसमें मैं मॉस को इंट्रोड्यूस करूँगा, तो उसमें आई विल नॉट हैव दीज प्लेकोज, उसमें नहीं होंगे शायद, आई कांट बी श्योर. तो इसलिए मैंने अभी उसको ऊपर रख दिया है. वो थोड़ा सा डल है. इट्स गोना ग्रो इन अ वाइल. एंड दिस इज हाउ माय एक्वेरियम इज लुकिंग राइट नाउ. So a lot of videos are gonna come, yes, about my ducks especially, and about Alaska also. मैं Alaska को introduce करने वाला हूँ, उससे पहले मैं कुछ नहीं बताऊँगा. So yes, if you guys have any doubts or anything, just drop your questions or your thoughts in the comment section below, and I love to read your comments. Yes, and follow me on Instagram, please do. मेरा पहले वाला account hack हो गया था, और इस बार जितने फॉलोअर्स मेरे पहले थे उसके 20% हैं अभी. एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट कमिंग आउट, पर ठीक है चलो. इट्स लाइक जस्ट वॉच माय कंटेंट देयर. अभी बहुत थोड़ा सा इनएक्टिव था मैं क्योंकि मेरा फ़ोन टूट गया अगेन. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट टू गेट रिपेयर्ड, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है. सो यस, डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ द एनिमल्स अराउंड यू. अपने आस पास के जानवरों का थोड़ा सा ध्यान रखिए, और अगर किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत कर सकते हो तो करो. और मैं महात्मा नहीं बनूंगा, जस्ट डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड.